जनपद में शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ चैन स्निचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 4 सोने की चैन, 2 चोरी की बाइक, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 10,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। ये रकम एक चैन को बेचकर इन लोगों ने पाई थी। पीपीगंज में के जिस सराफा कारोबारी को चैन बेची गई उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जिसकी तलाश की जा रही। आरोपियों की पहचान चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी मोनू भारती, पीपीगंज के भगवानपुर निवासी विष्णु कुमार और कैंपियरगंज के नूरुद्दीन चक निवासी नागेंद्र चौहान के रूप में हुई है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने चैन स्नेचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों सीसीटीवी फुटेज मिला था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसके बाद ही इन लोगों ने घटनाओं को रोक दिया था, लेकिन इसी बीच कैंपियरगंज में ये देखे गए थे। डायल 100 के पुलिस वालों ने पीछा किया था, मगर ये बच के निकल गए थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इनके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। इसी बीच कैंपियरगंज इलाके में एक बार फिर देखे गए और जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि इन लोगों ने शाहपुर, कैंपियरगंज, गुलहरिया, चिलवाताल, गोरखनाथ और कैंपियरगंज में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसका पर्दाफाश किया गया है। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही सराफा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खुलासे के दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने चैन स्नेचिंग सहित जनपद में हुई विभिन्न बड़ी घटनाओं के अनावरण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली क्राइम ब्रांच की टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करते हुए आगामी 26 जनवरी को उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, के जो वर्कआउट्स है, क्योंकि हमारे यहाँ 100% वर्कआउट की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको इसमें इनाम तो हम देंगे ही देंगे, पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम देंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं हमारे, उनके लिए हम इस 26 जनवरी को डीजीपी साहब की कमेंडेशन लिस्ट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं इन लोगों का नाम, जिन लोगों ने काम किया है। अगर इन लोगों ने जिनको सिल्वर मेडल मिला है उनको हम लोग गोल्ड मेडल के लिए नामांकन भेजेंगे, और जिनको सिल्वर मेडल अभी तक नहीं मिला है उनको हम लोग सिल्वर मेडल के लिए नामांकन भेजेंगे। और मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ लोगों का जिन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है, जो रिकमेंडेशन भेजेंगे वो डीजी साहब के यहाँ स्वीकार होगी, और हमें 26 जनवरी को हमारी क्राइम ब्रांच को जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको डीजीपी की कमेंडेशन लिस्ट मिलेगी। बता देना, ये अजय सादिक, पिछले 2.5 महीने में जो तुम लोगों ने काम किया अच्छे वाले बड़े वाले, उनकी एक जिस्ट बना के मुझे कल आप दे देना, प्रेस नोट सही ले चला जाए सब लोगों का, ठीक, जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो मैं क्या सिल्वर मेडल मिला अभी तो नहीं मिला, जो जो वास्तव में अच्छा काम किए इन सब ने काम किए हैं उनके लिए हम लोग नामांकन भेजेंगे। हमने साइबर सेल का नामांकन भेजा है अभी, जो पीछे घटना वर्कआउट करी जाए। ये पिछले कुछ दिनों से जो जनपद में चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई है, थाना गोरखनाथ, शाहपुर, कैंपियरगंज, चिलवाताल, गुलरिया, इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये घटनाएं कारित करी है। उनसे 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 4 चैन बरामद हुई है जो लूटी गई है, और तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, और 10,000 रुपये जो एक चैन बेच करके इन्होंने प्राप्त किए थे वो बरामद हुए हैं। इनके द्वारा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। इनके द्वारा जिन मोटरसाइकिल द्वारा जाकर के घटना कारित की जाती थी, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर घटनाएँ करी है इन्होंने, वो दोनों मोटरसाइकिल बरामद करी है, और तीनों को हमने अरेस्ट किया है इसमें, और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, गैंग पंजीकरण करेंगे। 5 चैन स्नैचिंग के मुकदमे इन पर वर्कआउट हुए हैं, जो 392 में हमारे जनपद के विभिन्न थानों में कायम थे। इस पर गैंगस्टर और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई करते हुए इनकी जो भी संपत्ति है उसको भी जब्त करने की हम लोग जो है DM साहब को रिपोर्ट देंगे। 14
दो गैंगस्टर एक्ट में। तो जनपद में कितने 14 एक गैंगस्टर किया है और क्या कुछ इन्होंने बेचा भी है? अभी तक 5 घटना इन्होंने स्वीकार करी है, 5 घटनाएं हमारी वर्कआउट हुई है। इन्होंने चैन एक सुनार को बेचने की बात सामने आ रही है, जो पीपीगंज का रहने वाला है, उसको हमने वांटेड किया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को चलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, 40% पैसा ही इनको मिलता था। अगर 10,000 की चैन है तो 4,000 रुपये, 40,000 की चैन है तो 10,000 रुपये इनको मिलते थे, और इसी पैसे को वो लोग अपनी आजीविका चलाना और आगे अपने कुछ मुकदमे जो पहले के हैं उनको जो है ख़त्म कराने के लिए जो कोर्ट में फीस वीस लगती है, इस संबंध में वो लोग ट्राई करते थे। क्राइम का काम ये लोग कुछ दिनों से कर रहे हैं, इनकी क्रिमिस्ट्री है इनकी, क्रिमिस्ट्री का हम लोग पता लगा रहे हैं कि पहले के इन पर कितने मुकदमे हैं आदि। ये रहने वाले चिलुआ ताल, पीपीगंज और कैंपियरगंज के हैं, तीनों अलग अलग थानों के, अपने अपने घरों में ही रहते थे और मॉर्निंग में अपने बात करके और चैन स्नैचिंग घटनाओं के लिए निकलते थे। लॉकडाउन के बाद विशेष रूप से खाली होने की वजह से इन्होंने घटनाएं कारित करी। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में हम आपको पता करके बता सकेंगे।